हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल टेक्निक जो है ना आईब्रो के लिए शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे आईब्रो बहुत ही ज़्यादा थिक हैं और ब्लैक हैं। तो वैसे तो जिन लोगों के आईब्रो जो है ना थिक नहीं होते और ब्लैक नहीं होते, तो वो जब मेकअप करते हैं तो आईब्रो पेंसिल के साथ या फिर जो होते हैं आईब्रोज की पैलेट मिलती हैं उनके साथ जो है ना इनको ही फिलिंग करके इनको अच्छे से शेप दे देते हैं। लेकिन जिनके आईब्रो थिक होते हैं और ब्लैक होते हैं तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होती, उनको सूट नहीं करती है। असल में होता यह है कि जब जिन लोगों के आईब्रो बहुत थिक होते हैं, जैसे कि मेरे बहुत ज़्यादा थिक हैं और ब्लैक हैं, तो जैसे ही मैं उनको शेप देने के लिए फील करती हूँ ब्लैक आईब्रो पेंसिल के साथ या कोई भी आईब्रो पैलेट के साथ, तो ये और ज़्यादा थिक हो जाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल से लगने शुरू हो जाते हैं। और वैसे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको आईब्रोज़ को जो है ना शेप देना नहीं आता होगा, तो अगर उनके आईब्रो थिक हैं तो वो आईब्रो पेंसिल ना यूज़ करें जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो आप वही चूज़ किया करें। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो और इससे आईब्रोज़ आर्टिफिशियल भी नहीं लगते। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मस्कारा, ये है ब्यूटी मॉडल 3D मस्कारा। तो ये बहुत अच्छा मस्कारा है, ये आप देख रहे हैं मैंने लगाया हुआ भी है, अच्छा मस्कारा है। लेकिन ये इसका ये है कि जब इसको फेस वॉश करें तो ये ब्लैक हो जाता है, तो फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक सा आ जाता है, तो इस वजह से ये चीज़ मुझे इसकी अच्छी नहीं लगी है। वैसे मैं एक और मस्कारा है वो यूज़ करती हूँ, तो वो अच्छा है, फेस उससे ब्लैक नहीं होता। तो दोबारा जब मैं वो लूँगी तो वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये आईब्रोज़ के ऊपर यूज़ कैसे करना है। इस ब्रश के ऊपर जितना भी मस्कारा लगा होना है ना, उसको अच्छे से इस बोतल जो है ना इसके साथ उतार लेना है अच्छे से, क्योंकि अगर इसके ऊपर ज़्यादा मस्कारा लगा हुआ होगा तो आईब्रोज़ के साइडों पे लग जाएगा, तो स्किन के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बुरा सा हो जाता है, तो कम ही लगाएं तो अच्छा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसको आईब्रो को जो है ना शेप हमने कैसे देनी है। मैं जब भी मेकअप करती हूँ ऐसे ही इसको यूज़ कर लेती हूँ आईब्रोज़ के ऊपर। ये देखें कितना अच्छे से लग गया है और इतना अच्छा लग रहा है, ये कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा कि हमने कुछ लगाया है। अगर मैं यहाँ पे आईब्रो पेंसिल यूज़ करती तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगने लग जाता और मेरे आईब्रो और ज़्यादा थिक हो जाते, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इस वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ। दूसरे साइड को भी ऐसी शेप दे देंगे जैसे पहले वाले को दी थी। ये देखें ये दोनों आईब्रो कितने अच्छे से जो है ना सेट हो गए हैं। तो गाइज, आपके आईब्रो भी अगर ऐसे ही थिक हैं और ब्लैक हैं तो आप जो है ना आईब्रो पेंसिल ना यूज़ किया करें, आप इस तरह ही मस्कारा यूज़ किया करें। कोई भी मस्कारा हो आप यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो आप बस इसी तरीके से ये यूज़ कर लिया करें। अगर आपको आईब्रो की शेप देनी नहीं आती और अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं आईब्रो, तो उससे भी आपके आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अजीब से बनते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप मस्कारा यूज़ करें, ये इजी भी है इसको यूज़ करना और इससे आईब्रो अच्छे से सेट भी हो जाते हैं। ये देखें, तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।